हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ लेते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन। मेरी उम्मीद है अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो सेंट्रीफ्यूज मशीन कितनी तरह की होती है, उसमें उसका ऑपरेशन टेक्निक क्या है, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो हम पहले इसका आगे वीडियो में भी चर्चा की है वो क्या होती है, इसको बारे में आपको ठोस आइडिया आ जाएगा। तो इसके लिए आप ये वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए, सेंट्रीफ्यूज मशीन ऑपरेशन एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। तो सबसे पहले सेंट्रीफ्यूज मशीन है क्या? देखिए, आप बाल सैंड बालू और पानी अगर घोल देते हैं और अगर थोड़ी देर छोड़ देते हैं बाल्टी में घोल के, तो बाली नीचे आ जाती है, पानी ऊपर चला जाता है। तो इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस। अब इसमें मेरा क्या है, हम यहाँ पर सेडिमेंटेशन, ये जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस है इसको हम जल्दी कर रहे हैं। तो जल्दी करने के लिए यही मेरा ये जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है इसका जो प्रिंसिपल है इसी पर आधारित है। क्या प्रिंसिपल है? स्पेशली डिजाइन मशीन। स्पेशली हम लोग इस मशीन को डिजाइन किए हैं टू एक्सीलरेट, यानी बढ़ा देना, बहुत रफ्तार से करना है इसको, सेडिमेंटेशन प्रोसेस, यानी सेडिमेंटेशन जो प्रोसेस है इसको रफ्तार से करना बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी बाहर से एक फोर्स के जरिए हम इसको हासिल कर रहे हैं। फोर्स क्या है? आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे कि एक बाल्टी पानी अगर रस्सी में बांध के आप कस के घुमा दीजिएगा तो बाल्टी वाला पानी नहीं गिरता है। काहे नहीं गिरता है? ये मान लीजिए ये जो हरा रंग का है इसको आप जोर से घुमा दिए, इसको आप जोर से घुमा दिए, तो क्या हुआ? सबसे पहले पानी, तो ये जो लाल रंग का एरो है, पानी तो सेंटर का तरफ, यानी पानी तो बाल्टी से बाहर जाने के लिए सोच रहा है। ये जो लाल एरो है इसको हम लोग बोल रहे हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स, इसका ऑपोजिट में आपका वेलोसिटी काम कर रहा है, आप जो घुमा रहे हैं। इसके जरिए एक रिजल्टेंट फोर्स बनती है, उस रिजल्टेंट फोर्स यानी ऑपोजिट ऑफ द सेंट्रीपेटल फोर्स, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पानी को इस बाल्टी का पीछे तरफ धकेल देता है, क्योंकि पानी यहाँ से नहीं गिर पाता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में अप्लाई करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसका जो मानक है, ये तीन चीज को हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या क्या? सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो कि वेलोसिटी का रूप में, जो कि नीचे तरफ खींच रहा है, जिसका जो वैल्यू है 0.40, उसके बाद 1.18। इसको आप दूसरा तरीके से भी लिख सकते हैं, 1.12 × 10⁻¹। ये हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है रेडियस, यानी इसका जो रेडियस है, ये रेडियस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। रेडियस जो कि हम मेजरमेंट कर रहे हैं इन सेंटीमीटर में मेजरमेंट कर रहे हैं, और जो कि ए स्क्वायर है, यानी स्पीड पर इन आरपीएम, यानी आरपीएम शब्द का मतलब है रेवोल्यूशन पर मिनट, जितना है 1 मिनट में वो कितना चक्कर काट रहा है, इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन पर मिनट। तो इसका एस का स्क्वायर है, यानी जितना मेरा रेडियस बढ़ेगी, जितना, काहे कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स को तो हम चेंज नहीं कर सकते, ये तो धरती का बना हुआ चीज है। हम चेंज कर सकते हैं किसको? आर को चेंज कर सकते हैं स्पीड को, यानी स्पीड जितना बढ़ेगी, रेडियस जितना बढ़ेगी, उतना ही मेरा फोर्स का अमाउंट बढ़ेगा। जितना फोर्स बढ़ेगा उतना जल्दी मेरा सेडिमेंटेशन प्रोसेस एक्सीलरेट होगा, जल्दी होगा। तो इसमें अभी क्या है, इस तरह जब घूमता है तो ट्यूब कुछ इस तरह घूमता है, मतलब पूरा ये ऐसे लटका हुआ रहता है, लेकिन जब घूमने लगता है तो ये पूरा सीधा हो जाता है, हॉरिजॉन्टल चला जाता है। तो अभी देखते हैं जो ये जो घुमाता है, घुमाने के लिए तो हम एक मोटर का सहारा लेते हैं। अब ये मोटर क्या है,
मोटर जो जिसको हम रोटर बोल रहे हैं जो कि घुमा रहा है, तो टाइप्स ऑफ रोटर बाई टाइप्स ऑफ रोटर सेंट्रीफ्यूज मशीन का हम डिवाइड कर दें। स्विंग आउट हेड यानी हॉरिजॉन्टल हेड, यानी जब घूमने लगा तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ गया, दोनों ट्यूब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ गए, इसको हम लोग बोलते हैं स्विंग आउट हेड यानी हॉरिजॉन्टल हेड। और दूसरा है एंगुलर हेड यानी फिक्स्ड एंगल। यहाँ देखिए ये जो बकेट है ये ब्लू कलर का बकेट, इसको फिक्स कर दिया गया। ये फिक्स करने से क्या हुआ कि इसको हम तक बोल रहे हैं फिक्स्ड एंगल। ये फिक्स्ड एंगल, ये एंगल 25 से 40 डिग्री में वैरी करता है, डिफरेंट कंपनी जैसे जैसे बनाती है। तो इसमें तो सबसे बढ़िया होता है, कहे सबसे बढ़िया होगा कि इसमें ये जब घूमने लगा तो इसका देखिए रेडियस कितना हो गया। ये जो शाफ्ट है जिस पर ये घूम रहा था, ये शाफ्ट से ये ट्यूब का एंड का दूरी जिसको हम आर यानी रेडियस बोल रहे हैं, ये रेडियस इतना बढ़ गया। जब ये एंगल फिक्स हो गया तो क्या हुआ, ये शाफ्ट से ये रेडियस छोटा पड़ गया, यानी यहाँ पर रेडियस का वैल्यू अगर कम हो जाती है तो मेरा जायज है कि मेरा आरसीएफ यानी फोर्स मेरा घट जाएगा, यानी सेडिमेंट होने में हमको समय लगेगा। लेकिन फिर भी इसको हम इस्तेमाल क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं कि लेस फ्रिक्शन, यानी इसमें फ्रिक्शन सबसे जो एयर के साथ जो फ्रिक्शन होती है ये सबसे कम होती है, इसलिए हम ये एंगुलर हेड भी यूज करते हैं। अभी जो टाइप है सेंट्रीफ्यूज मशीन का बाई कंटेनर, कंटेनर मतलब क्या, यहाँ पर हम टेस्ट ट्यूब दिखाए, यहाँ पर भी हम टेस्ट ट्यूब का दिखाए। कुछ होता है, कुछ मशीन होता है जहाँ पर हमको ब्लड बैग, आज के दिन में जो जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है तो वो ब्लड बाकायदा प्लास्टिक का बैग में कलेक्शन होता है इंस्टेड ऑफ ब्लड बॉटल जो पहले होती थी। तो ब्लड जो बकेट है, ये बकेट में जो कि ब्लड बैग समा जाए उसी तरह का बकेट बनती है, यानी ट्यूब ट्यूब हो सकता है। ट्यूब का संख्या कैसे होगा, दो का मल्टीप्लीकेशन में होगा, कहे कि हमको अपोजिट साइड बैलेंस करने होता है। तो 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे इसका होता है ट्यूब का। अगर ट्यूब से अगर अब लेते हैं, अगर बाकेट वाला लेते हैं तो क्या होगा, ये ब्लड बैग घुमाने के लिए है, जहाँ से हम आरबीसी को अलग कर लेते हैं, प्लाज्मा को अलग कर लेते हैं, प्लेटलेट को अलग कर लेते हैं। और मेरा कुछ है हेमाटोक्रिट जो कि पतला ट्यूब जो कैपिलरी ट्यूब होती है, उसमें कुछ खास टेस्ट है जैसे पीसीबी करने के लिए, उसके लिए तो इतना बड़ा बकेट में अगर घुसा देंगे इतना पतला ट्यूब तो ये टूट जाएगी, इसलिए इसके लिए खास करके इतना ही पतला बन के आती है, उसको बोलता है माइक्रो हेमाटोक्रिट। और कुछ कुबे का हमको दरकार पड़ता है, ब्लड बैंक का कुछ ग्रुपिंग सिस्टम है, उस ग्रुपिंग सिस्टम में हमको माइक्रो कुबेट का दरकार पड़ता है, जो कि माइक्रो कुबेट कुछ कुछ इस तरह का देख रहा होता है, यानी तीन तीन का ये बैच होती है, 3 का 6 का 10 का बैच होती है, उस इस तरह इतना ही पर इतना ही छोटा ये माइक्रो कुबेट घुसाने के लिए, ये वाला तो इसमें नहीं घुसेगा, तो घुसाने के लिए स्पेशल टाइप का बाकेट बनती है। अभी देखिए टाइप्स ऑफ स्पीड, हमको स्पीड किस तरह का दरकार है, हमको जो लेबोरेटरी का जनरल पर्पस है उसमें मेरा जो स्पीड कंपनी बना के देती है वो करीब 4000 से 5000 रेवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम का बना के देती है, जिसका ट्यूब का कैपेसिटी यानी एक टेस्ट ट्यूब जो हम यहाँ घुसा दिए, ये टेस्ट ट्यूब का कैपेसिटी 20 मिलीलीटर तक होती है, और ये जनरल पर्पस में यूज होता है। 4000 से 5000 इसका हाई स्पीड होती है। आप कुछ हमको दरकार पड़ता है बहुत हाई स्पीड, जबकि 20,000 आरपीएम तक उसको हम घुमा सके, 4,000-5,000 नहीं, 20,000 तक आरपीएम तक घुमा सके। जब 20,000 में घुमा रहे तब मेरा जो आरसीएफ है फोर्स, ये फोर्स अभी 20,000 की जगह हो गया 35,000 जी हो गया, और ट्यूब का यानी बाकेट का जो साइज होता है बाकेट 200 ml का बाकेट आती है। इसके बाद ये जो माइक्रो कुबेट है, ये माइक्रो कुबेट जब हम घुमाते हैं उसमें हमको बहुत लो स्पीड का दरकार पड़ता है, खास करके वो 1000 RPM इज सफिशिएंट, और ये 1000 RPM का जो मशीन बनती है उसको बोलते हैं नॉइज फ्री। नॉइज मतलब हल्ला नहीं कि मशीन चल रहा है तो आवाज कर रही है, ये बात नहीं, नॉइज फ्री का मतलब है लेस वाइब्रेशन, माने करीब जीरो वाइब्रेशन। और इसमें ये जो 1000 RPM है ये स्पीड एकदम बरकरार रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉइज फ्री। और इसके बाद है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी अति
अल्टर मतलब भर्ती, बहुत जोर से घुमाना। कब? जब मेरा RCF यानी रिलेटिव फोर्स मेरा 1.5 लाख तक पहुंच जाती है। वो हम करते हैं कि जब हम प्रोटीन या लाइपोप्रोटीन का फ्रैगमेंट अलग करते हैं, फ्रैक्शन अलग करते हैं, तब इस मशीन का ब्लड बैंक का पर्पस में बहुत अहम चीज में ये दरकार पड़ती है। इसके बाद है टाइप्स बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर का टाइप्स का, एक तो ये जनरल पर्पस वेरी लो स्पीड, ये सब मेरा हो गया सब रूम टेम्परेचर। जो मेरा हाई स्पीड है खास करके वो रेफ्रिजरेटेड होती है। रेफ्रिजरेटेड मतलब क्या? मतलब ब्लड बैग हमको स्टोर रखने पड़ता है फ्रीज में। अब फ्रीज से उतार निकाल के अगर हम सेंट्रीफ्यूज में घुमाते हैं तो ब्लड गर्म होगी, ब्लड गर्म होगी तो ब्लड खराब हो सकती है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए बाकायदा एक रेफ्रिजरेटर होती है, और उस रेफ्रिजरेटर अंदर सेंट्रीफ्यूज मशीन बैठा हुआ रहता है जो वेरी हाई स्पीड वाला, और उसी में वो घुमाता है। जबकि ये इसीलिए इसको बोलता है रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज। और पहले कुछ ड्राइविंग फोर्स है। पहले क्या था, जब इलेक्ट्रिसिटी का काफी लोड शेडिंग का चर्चा होती थी उस समय एक सेंट्रीफ्यूज मशीन, जबकि मैकेनिकल जो हाथ से घुमाने पड़ता था वो भी उपलब्ध था। अभी तो शायद उपलब्ध भी नहीं है, अभी सभी इलेक्ट्रिकली ड्रिवेन है, यानी बाई इलेक्ट्रिसिटी वो चलती है। अभी है कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स मतलब एक सेंट्रीफ्यूज का क्या 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 खास पार्ट्स होती है। सबसे पहले तो इसका एक बिग ड्राम होता है, जो जिस ड्राम के अंदर ये टेस्ट ट्यूब होल्डर्स होती है, और बीच में एक सेंट्रल शाफ्ट होती है जो मोटर से जुड़ा हुआ रहता है। वो ये शाफ्ट घूमता है तो ये सारे घूमने लगता है। इसके बाद है ट्यूब कप ऑब्लिक बाकेट विथ कुशन्स, यानी अगर हम मेरा ट्यूब वाला यूज कर रहे हैं तो ट्यूब, अगर बाकेट वाला तो बाग, तो इसका नीचे देखिए ब्लू कलर का कुशन लगी हुई रहती है कि उसमें इतना जोर से घूमता है कि शीशा का जो बने हुए टेस्ट ट्यूब है वो कहीं टूट ना जाए, इसलिए वहां पर हमको खास दरकार पड़ता है कुशन का। फिर अहम चीज है कि सेंट्रीफ्यूज मशीन का जो लीड यानी ढक्कन होती है वो हैवी होना चाहिए, कहीं वो अगर अंदर में टेस्ट ट्यूब टूट भी गया कहीं छीट के बाहर ना आ जाए, और जो कि टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजी जो भी काम कर रहे हैं वो कहीं इंजोर्ड ना हो जाए, तो इसके लिए हेवी लीड होना जरूरी है। अब विद और विदाउट वेंटिलेशन, जो ज़्यादातर हम मशीन यूज करते हैं ये है रहती है विद वेंटिलेशन, यानी यहाँ पर जोर से घूमती है तो जैसे पंखा घूमती है क्या होता है, बाहर का हवा अंदर आती है, अंदर का हवा बाहर फेंकता है, तो ये वेंटिलेशन होना जरूरी है, नहीं तो हवा यहाँ गर्म हो जाएगा। और विदाउट वेंटिलेशन का, जब मेरा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, जब मेरा रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज है, कुछ मेरा वैक्यूम सेंट्रीफ्यूज है जिसका चर्चा हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हम लोगों का काम में नहीं आती है, तो विदाउट वेंटिलेशन मतलब वहां से हवा ना बाहर आएगी ना बाहर का हवा अंदर जाएगी। इसके बाद सबसे तो एक पावर स्विच होगी, एक टाइमर होगी जिससे हम टाइम फिक्स करेंगे, मेरा 10 मिनट घुमाना है कि 15 मिनट। एक स्पीड कंट्रोलर होती है जिससे हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं, 1000 RPM चाहिए, 5000 चाहिए, 10000 चाहिए। फिर एक टैकोमीटर होती है, टैकोमीटर इज द ये छोटा एक तरह का मीटर है जो कि आपको बताता है ये कितना RPM में घूम रहा है, यानी रेवोल्यूशन पर मिनट, ये प्रति मिनट कितना चक्कर काट रहा है। इसको बताने के लिए जो मशीन आती है उसका नाम है टैकोमीटर। वो उसका जो डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले एनालॉग हो सकती है डिजिटल, एनालॉग मतलब एक कांटा आपको शो करेगा, डिजिटल मतलब संख्या में शो करेगा। अब यूजेस नाम पर सबसे पहले लिख के रखें सेपरेशन ऑफ, यानी यहाँ पर हम सब चीज सेपरेट करने के लिए काम हो रहे हैं। सेंट्रीफ्यूज मशीन किससे सेपरेट कर रहा है? सीराम प्लाज्मा सेल, यानी सेल से सीराम, नहीं तो प्लाज्मा को सेपरेट कर रहा है, और नहीं तो प्लाज्मा और सीराम को सेल से सेपरेट कर रहा है, जो भी उल्टा करके बोलिए सीधा करके बोलिए, प्लाज्मा सीरम और सेल को सेपरेट करने के लिए। दो नंबर है सेलुलर पार्टिकल्स, सेलुलर एलिमेंट्स यानी मेरा शरीर का जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, मेरा पेशाब में जा रहा है, ब्लड में जा रहा है, मेरा स्टूल का साथ पास हो रहा है, पैरासाइट्स है परजीवी, तो ये पैरासाइट्स आर्टिफैक्ट्स है जो आर्टिफिशियली जो कि कुछ बन जाती है जिसको हम पहचान नहीं पाते हैं, उसको हम लोग आर्टिफैक्ट्स यानी आर्टिफिशियल फैक्ट से आर्टिफैक्ट बताते हैं।
तो सेलुलर पार्टिकल, सेलुलर और पार्टिकल्स और आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम फ्लूइड्स, बॉडी का हमको बहुत तरह का फ्लूइड है, हम पहले चैप्टर में चर्चा किए थे उस फ्लूइड का, फ्लूइड से अलग करने के लिए, यूरिन से अलग करने के लिए, स्टूल से अलग करने के लिए। फिर इसमें क्या होती है, जब ब्लड बैंक का हम खास करके हम एक तरह का ब्लड ग्रुपिंग मेथड करते हैं, उसमें फ्री सेल फॉर्म एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन मतलब बहुत सेल इकट्ठा हो जाना, उसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन। वो एग्लूटिनेशन से जो फ्री सेल, जो सेल एग्लूटिनेट नहीं किया, जो वो झुंड में नहीं है, उसको अलग करते हैं। फिर क्या करते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी फ्रैक्शन फॉर्म फ्री फ्रैक्शन, यानी जो फ्रैक्शन एंटीजन या एंटीबॉडी का साथ जुड़ गया, उसको जो फ्री फ्रैक्शन है उससे अलग करते हैं। फिर डिफरेंट सेलुलर कंपोनेंट्स लाइक क्रायोप्रिसिपिटेट्स एंड लाइक दैट, जो कि मेरा खून जमने में सहायता करता है जब वो क्रिटिकली इल पेशेंट के लिए जरूरत होती है, ये ब्लड बैंक के लिए उस समय हम क्रायोप्रिसिपिटेट उससे अलग करते हैं। फिर प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन फ्रैक्शन, प्रोटीन का और लाइपोप्रोटीन का अलग अलग फ्रैक्शन अलग करते हैं। फिर है PFF यानी प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट भी हम बनाते हैं। अब इसको ऑपरेशन यानी कैसे हम इसको चालना करेंगे, कैसे इसको हम ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट करने के लिए तो मेरा सबसे अहम मुद्दा है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हम घर में भी यूज करते हैं, उसका अहम मुद्दा है कि चेकिंग प्रॉपरली फिटेड विद इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, वो सही जगह सही प्लग पॉइंट में डाला है कि नहीं, और उस प्लग पॉइंट का सही तरीके से आर्थिंग है कि नहीं, ये चेक करना जरूरी है, कहीं वो सिंगल फेज हो गया ना डबल फेज हो गया, कि दोनों में लाइन आ रहा है, आर्थिंग नहीं है, इसको बहुत माइन्यूटली चेक कर लेना है, प्रॉपरली बैलेंस्ड विद द अपोजिट वन टू मिनिमाइज वाइब्रेशन। सेंट्रीफ्यूज मशीन का जो खराब होने का सबसे अहम बात है कि प्रॉपरली यूज नहीं होती है, यानी जब हम टेस्ट ट्यूब डालते हैं इसका साथ ऑपोजिट वाला जब बैलेंस नहीं होता, ये बैलेंस होना चाहिए बाय वेट नॉट बाय वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम से नहीं वजन से, तो बाय वेट इसको हमको बैलेंस करना है, जितना बैलेंस सही रहेगी उतना ही आपको वाइब्रेशन कम होगी, उतना ही आपका मशीन लॉन्ग लास्टिंग होगी। इसके बाद क्लोज द लीड फास्ट यानी ढक्कन को पहले बंद कीजिए, सेट द टाइमर, कितना देरी आपको दरकार है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, टाइमर सेट कर दीजिए। फिर एक्सीलरेट स्लोली यानी आपको 5000 RPM दरकार है, तो ये नहीं कि एक बार हम 5000 घुमा दिए, 1 2 3 4 ऐसे करके हमको धीरे धीरे बढ़ाना है। जब मशीन बंद करने का वक्त आया तो हम क्या करेंगे, पहले तो रिटार्डेड द स्पीड स्लोली, जैसे हम स्पीड बढ़ाए थे उसी टाइप से हम स्पीड घटाएंगे। वेट फॉर कंप्लीट स्टॉपिंग, ये मशीन कंप्लीटली स्टॉप हो जाने तक हमको इंतजार करना है। ओपन द लीड ढक्कन को अभी खोलना है, जेंटली रिमूव द ट्यूब्स एंड बाकेट, जो भी अगर ब्लड बैग हम डाले हैं, ट्यूब्स डाले हैं, उसको जेंटली यानी बहुत हल्का हल्का से उसको निकालना है। इसके साथ हमको जो रेगुलर चेक करने का है, चेक द हीटिंग कि मशीन गर्म हो रही है कि नहीं, कहे मोटर चल रहा है, गर्म होना स्वाभाविक है। मॉनिटर RPM यानी जो हम RPM सेट किए वो सही RPM दे रहा है कि नहीं। टाइमर यानी टाइमर सही, एक बार घड़ी से भी चेक कर लीजिए अपना मोबाइल से कि वो टाइमर सही चल रहा है कि नहीं। टेम्परेचर कैलिब्रेशन यानी टेम्परेचर आपको जब खास करके ये रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज में है, इसमें आपको टेम्परेचर सही है कि नहीं, यानी टेम्परेचर बढ़ गया, आप अपना काम कर लिए लेकिन ब्लड खून खराब हो गए, कोई फायदा नहीं। फिर चेंज द ब्रशेस व्हेन नीड्स, इसका मोटर में ज़्यादातर मोटर में ब्रश फिट रहते हैं, ग्राफाइट का ब्रश, उसको हमको बीच बीच में चेक कर लेना है, क्योंकि वो घसीट जाता है और वो धीरे धीरे मशीन स्लो होते जाती है, तो ब्रश को टाइम टू टाइम चेंज कर लेना है। अब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले आपको पर्पस क्या है, हम 2 नंबर में लिखा है लेकिन आपका पर्पस क्या है, कि जनरल लेबोरेटरी के लिए है, स्पेशल पर्पस नहीं, यानी माइक्रोकोवेट हेमाटोक्रिट है, नहीं तो रेफ्रिजरेटर है, नहीं तो ब्लड बैंक के लिए, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है, ना वेरी लो स्पीड है, ना वेरी हाई स्पीड है, तो ये आपका पर्पस का अनुसार आपको सेंट्रीफ्यूज मशीन खरीदना है।
इसका जो वेरिएंट है ज्यादातर सब मशीन बेंच टॉप होती है, यानी जो कि टेबल के ऊपर रखा जाता है और टेबल हिलना नहीं चाहिए, बेंच टॉप मॉडल इसको बोलता है। और जो फ्लोर टॉप होती है वो खास करके रेफ्रिजरेटेड जो सेंट्रीफ्यूज वो फ्लोर टॉप यानी जमीन के ऊपर वो बसा हुआ रहता है। अब रोटर टाइप हमको किस तरह का चाहिए, एंगुलर चाहिए, स्विंग हेड चाहिए। एंगुलर लेने से भी जो है, स्विंग हेड लेने से यहाँ पर फोर्स कम अप्लाई होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन में थोड़ी देर होती है, लेकिन ये भी बहुत स्टडी मॉडल है। और नंबर ऑफ ट्यूब हमको कितना चाहिए, कि दो चार ट्यूब वाला चाहिए, आठ ट्यूब वाला चाहिए, 16 ट्यूब वाला चाहिए, 32 ट्यूब वाला चाहिए, इतना ट्यूब वाला चाहिए। इसका साथ सिमिलरली है बकेट, अगर बकेट है आपका ब्लड बैंक का साइज बहुत बड़ा है तो ज्यादा जो जिसमें ज्यादा ब्लड बैंक समाएगा उस तरीके से आपको तय करना है। फिर है टेम्परेचर टाइप, आपको नॉर्मल, अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल, अगर ब्लड बैंक का स्पेशल पर्पज है तो रेफ्रिजरेटेड हमको लेना है। स्पीड टाइप क्या चाहिए, वही फिर वही बात कि नॉर्मल, अगर नॉर्मल यूज के लिए तो नॉर्मल, अगर वेरी लो स्पीड तो ये माइक्रो कुवेट के लिए है, वेरी हाई स्पीड, अगर हाई स्पीड चाहिए तो हाई स्पीड मेरा जो कि है ब्लड बैंक पर्पस में है, और वेरी हाई स्पीड वो भी अल्ट्रासाउंड सेंट्रीफ्यूगेशन वो भी है आपका ब्लड बैंक पर्पस में। फिर कंट्रोलर जो है आपको टाइम स्पीड टेम्परेचर, कोई कोई मशीन में सिर्फ टाइम और स्पीड प्रोवाइड करता है, टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड करता है, कोई सिर्फ स्पीड प्रोवाइड करता है, टाइमर नहीं देता टेम्परेचर, उसी तरह से उसका वैल्यू निर्धारित होती है। और डिस्प्ले क्या चाहिए, आपका टाइम स्पीड टेम्परेचर, अगर आप डिस्प्ले लीजिएगा तो अकॉर्डिंगली आपका मशीन का दाम आएगी। सबसे पहले इसमें अहम बात है कि लीड लॉक ऑप्शन आपको ले लेना चाहिए, कि लीड लॉक ऑप्शन में कि जब वो मशीन घूमेगा, चाहे शुरुआत में हो चाहे अंत में हो, तब तक जब तक वो मोटर पूरा बंद नहीं हो जाती है आपका लीड ओपन नहीं होगा, ढक्कन खुलेगी नहीं। तो चलिए अभी लेबोरेटरी में चलते हैं, तो इसको आप लोग जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा। हम लोग अगला वीडियो में मिलते हैं हॉट एयर ओवन एंड इनक्यूबेटर के साथ। थैंक यू। सो डियर फ्रेंड्स, दिस इज द सेंट्रीफ्यूज मशीन। एज आई टोल्ड अर्लियर टू यू दैट ईच हैज ए हेवी लीड, हियर यू कैन सी दिस लीड इज वेरी heavy lead, oh, and there is the ventilations, here is the ventilations of the lead. Okay, now go to the center, here is the main shaft, these shafts holding the test tube buckets, and these has to balance opposite direction, you have to balance in opposite direction. When in the inner circle you go to balance like this, like that, and these are the angular, this is a angular one because these are fixed, these test tube buckets are fixed, so this is a angular one centrifuge machine. Okay, it has a cushion there to close the lid, and when you close the lid, here is the lock. As soon as it's run, you cannot open this, and after it stops totally, you have to open like this. This is the centrifuge machine. Now come to the switchboard. Here is the LED display of RPM, that is revolution per minute. Here is the timer, show how many times you want to run it. It is the setting of the timer to set the time. Here is the motor on off switch. Okay, here is the lead lock, show you that the whether lead is locked or not. Now here is the knob, that is you can regulate the speed. Here is the mark, you can see here is the mark, and here is how much speed you need, and according to the speed your display will show, and as per your time setting
द टाइम शैल बी शो. ओके, दिस इज द संजीभूत मशीन. सो आई थिंक यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस. एंड दिस इज द सेंट्रीफ्यूज मशीन. देयर इज नथिंग एंड इनसाइड दिस देयर इज अ मोटर एंड दिस इज द सेंट्रल शाफ्ट. ओके, नाउ दिस इज योर सेंट्रीफ्यूज मशीन. ओके ओके फ्रेंड्स, सो यू मस्ट शेयर इट एंड लाइक इट. थैंक यू.